Namgay. Hey, get out of the way, Namgay. This is day two of Northeast Ride. आज का मेरा प्लान है चेरापुंजी की तरफ जाने का और अभी टाइम हुआ है 7:28 लेकिन मेरा पैर के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है चलने में. अभी मैं जिस होटल पर रह रहा हूँ इसका थोड़ा मैं आपको टूर करवा देता हूँ. ये तो मेरा रूम है, पूरा सामान बिखरा पड़ा है. वॉशरूम इस साइड है. बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं. बाहर कुछ इस टाइप से, इधर यहाँ पर भी थोड़ा बैठने का जगह तो है, यहाँ से ऊपर भी है. यहाँ से शिलोंग का नज़ारा कुछ ऐसा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी. और अपना रूम उस साइड है. अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था लेकिन पूरी ही नहीं है, सिर्फ ब्रेड है, सब्जी इधर है, जूस है और अंडे है वो कंटेनर में. अभी चाय के लिए बोला हूँ और चाय पियेंगे उसके बाद ही पूरी के साथ स्टार्ट करेंगे. पूरी आ गया भाई, अब खाना शुरू करते हैं. अभी टाइम हुआ है 10:47 और अपना बाइक का पूरा पैकिंग हो गया. और कल हमने टोटल डिस्टेंस सिलगुड़ी से यहाँ तक कवर किया 587 किलोमीटर्स और आज जाएंगे चेरापुंजी जो कि है 1 घंटे का रास्ता, हार्डली 40 से 50 किलोमीटर होगा. अभी शिलोंग है और अभी निकलते हैं यहाँ से. तो गूगल दिखा रहा है रास्ता 1 घंटे का, 1.5 आवर्स, 52 किलोमीटर चेरापुंजी तक. निकलते हैं, जाना है डाउन की तरफ. ऊपर दिखा रहा है रास्ता. रास्ता भी पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है गूगल भाई. अभी 20 मिनट ही राइड किया था शिलोंग से ट्रैफिक जाम में और 20 मिनट के बाद मैं ये जगह पे पहुंच गया हूँ और यहाँ से जाना है राइट फॉर एलिफेंट वाटरफॉल. तो देखते हैं एलिफेंट वाटरफॉल का क्या है हाल. अभी मैं जा रहा हूँ एलिफेंट लेक और अंदर आने का टिकट है 100 रुपीस और सामने है एलिफेंट लेक. दिखाते हैं आपको लेकिन मेरा पैर की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है.
पॉइंट पे पहुंच गया हूँ जहाँ से हॉट वाटर फॉल वॉल क्लियरली विजिबल होता है। और ये है एलिफेंट का लेक, एलिफेंट वाटरफॉल का थर्ड फॉल्स, बाकी का तो ऊपर है। बज गया है और निकल रहे हैं एलिफेंट। जैसे आप एलिफेंट वाटरफॉल से निकलेंगे चेरापुंजी की तरफ तो व्यू कुछ इस तरह का मिलेगा, रोड भी अच्छा है। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ। इस टाइप का व्यू है, इधर छोटा छोटा वैली है। अभी तो विंटर सीजन है इसके वजह से थोड़ा ड्राई दिख रहा है, अगर समर में आएंगे तो पूरा ग्रीन दिखेगा ये वाला और बहुत बढ़िया लगेगा। अभी थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि कैनियन भी है, कैनियन भी विजिट करेंगे, कैसा कैसा है, क्या क्या है, वो सब देखेंगे। चेरापुंजी कौन सा रास्ता? नीचे वाला है ना। थैंक यू। नीचे वाला जाना है चेरापुंजी, ऊपर वाला जाएगा दाउकी। नेक्स्ट टाइम जाओ आने का दाउकी भी जाना पड़ेगा। लॉन्ग सी कैम ब्रिज माउदो, थोड़ी देर यहाँ पे रुका हूँ और यहाँ से चेरापुंजी 16 किलोमीटर है। चेरापुंजी 16 और फिर देखा है 16 किलोमीटर और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का है, वैली। बाइक अपना उतर है, तो अभी निकलते हैं इस पॉइंट से। अच्छा है लेकिन जगह ये वाला, रोड भी बढ़िया है शिलोंग से चेरापुंजी जाने का,
रोड बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर चेरापुंजी नहीं सोराहा बोलते हैं ये लोग, और बोर्ड में भी सोराहा लिखा हुआ मिलता है, तो रोड भी अच्छा है। 16 किलोमीटर कवर करना है, निकलते हैं यहाँ से। गया ये वकावा वाटरफॉल्स, और यहाँ से 15 टू 20 मिनट्स का वॉक है इधर से, और ये आगे है मेरा हाईवे। इस हाईवे से जाएंगे तो चेरापुंजी जो है ओनली 5 किलोमीटर, तो पहले इधर वाटरफॉल जाते हैं और उसके बाद आगे एक आरोहा केव भी है, वह केव भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा लंच करेंगे, उसके बाद ही वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। फिश वैश के लिए बोला था तो ये दिया 80 रुपीस। लेकिन टेस्ट अच्छा है। सेल्फी डेंजर जोन, सेल्फी पॉइंट, ये सब पॉइंट सुना होगा, लेकिन यहाँ पर सेल्फी डेंजर जोन भी है, आपको दिखा देते हैं आगे। सेल्फी डेंजर जोन, मुझको जाना है इस तरफ। तो 7 मिनट्स वॉक करने के बाद मैं पहुँच गया हूँ वाटरफॉल्स हो रहा, व्यू पॉइंट उधर से देखना है नीचे, लेकिन यहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे आ गया मैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा खाई है, आप देख सकते हैं नीचे, बहुत नीचे तक है, आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ अभी इधर से। देखिए व्यू कुछ ऐसा है, इस टाइप का कैनियन है, यहाँ पर वाटरफॉल ऐसा है। 4 बजने वाला है और पहुँच गया मैं इधर, ढूंढ लिया एक होटल, क्रिसेंट होटल बोल के है ये, और 2400 का पड़ा मुझे, और ये चेरापुंजी का मेन टाउन में ही है। तो इधर सामने ही एक 9 किला फॉल्स बोल गए यहाँ पर, तो उधर जाके आते हैं। और 9 किला वाटरफॉल्स ये चेरापुंजी सिटी से 5 किलोमीटर का दूरी पे है, रास्ते में कुछ इस टाइप का व्यू है, बढ़िया दिख रहा है भाई, गड्डी आ रही है, गड्डी। चेरापुंजी से शिलोंग जाने के ये 9 किला फॉल्स जाने के रास्ते में ही है कैंपिंग साइट, दादा टूरिस्ट कॉटेज कैंपिंग साइट, एडवांस में ही होटल बुकिंग करके थोड़ा गलती कर दिया, वरना मैं भी कैंपिंग कर सकता था इधर। चलो कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। कितना 50
नाम क्या है? ओए किधर भाग रहा है, नाम क्या है? टाइम अभी 4 बज गए और 4 बजे का व्यू कुछ इस टाइप का है यहाँ का। और वो रहा ब्यूटीफुल नौकीला फॉल्स। और इधर पे सनसेट भी हो रहा है। अभी इस होटल पे आए थे चाय पीने के लिए, तो यार होटल से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है नौकीला फॉल्स। एकदम क्लिफ में ही बनाया ये होटल, यहाँ से पूरा ऐसा है। और वो रहा नौकीला फॉल्स।